हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एथ क्लास वी हैव स्टार्ट चैप्टर सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू अपटेन द परफेक्ट क्यूब अब देखो स्टूडेंट्स हमें क्या है नंबर गिवन है फर्स्ट पार्ट देखें इसका 243 हमें गिवन है अब देखो हम इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन हो जाए ये क्वेश्चंस हमने एंड स्केयर रूट में भी किए थे उसमें हमने परफेक्ट स्केयर बनाया था सेम उस टाइप के क्वेश्चन हैं। नाउ सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टर्स देखें 243 के देखो किस डिविजिबल होएगा ये पीछे देखो लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या है थ्री सो टू से डिविजिबल नहीं होएगा अब हम सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं फोर प्लस टू इज सिक्स सिक्स प्लस थ्री इज नाइन सो ये कौन से टेबल में जाएगा थ्री के टेबल में नाउ थ्री से डिवाइड करो थ्री एट जॉ ट्वेंटी फोर थ्री वन जॉ थ्री एट प्लस वन नाइन फिर थ्री के टेबल में जाएगा थ्री टू जिक्स टू बचें थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री ज़ार नाइन एंड देन थ्री वन ज़ा थ्री नाव फैक्टर्स लिख लें इसके टू फोर्टी थ्री के देखो थ्रीज कितने हैं फाइव हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब देखो इसमें हमने ग्रुपिंग कितनी की करनी है क्यूब वाले चैप्टर में थ्री थ्री की देखो थ्री बना लिए अब यहाँ पे देखो टू थ्री रह गए हमारे पास अब यहाँ पे एक और होता तो देखो ये क्या है पेयरिंग क्यूब्स की पेयरिंग जो करते हैं हम वो कंप्लीट हो जानी थी इट मींस हमारे पास क्या है एक थ्री कम है सो so हम क्या करेंगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो हमारे पास क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ हो जाएगा नाउ यहाँ पे देखो एक लाइन लिखनी है आपने सिंस ऑल द फैक्टर्स ऑल द प्राइम फैक्टर्स जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी सेम वैसे लिखेंगे ऑफ टू फोर्टी थ्री डू नॉट एक्सिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री ग्रुप ऑफ थ्री इक्वल फैक्टर्स देखो इक्वल फैक्टर्स नहीं ना टेन एक कम है सो टू फोर्टी थ्री मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाकी ये लाइन जो स्टेटमेंट सही है मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय थ्री टू अब परफेक्ट क्यू बस ये लाइन आपने सभी क्वेश्चन में लिख लेनी है दैट्स इट राइट नाउ सेकेंड पार्ट देखिये स्टूडेंट्स इसका टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स अब देखो टू के पहले क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी 256 अब देखो लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या है सिक्स है सो टू सिट विजिबल होगा पहले टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर वन बज गया टू एट ज़ा सिक्सटीन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू फोर ज़ा एट टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू ज़ा फोर टू वन ज़ा टू टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू एट ज़ा सिक्सटीन टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा फोर एंड दैन इज़ टू वन ज़ा टू नाउ फैक्ट्राइजेशन लिख लें इसकी टूज देखें कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टू हैं हमारे पास देखो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड देन एट अब देखो थ्री की ग्रुपिंग करो थ्री थ्री अब यहाँ पे देखो एक टू रह गया सो so, इसमें हम क्या लिखेंगे ऊपर वाली लाइन सभी में लिख लोगे सो टू फिफ्टी सिक्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाइड बाय टू टू अब टेन अ परफेक्ट क्यूब राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री देखते हैं स्टूडेंट्स इसका नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखें इसका सेवनटी टू आप देखो सेवनटी टू की सबसे पहले क्या हम करेंगे हम प्राइम फैक्ट्राइजेशन करेंगे सेवनटी टू देखो कौन से टेबल में जाएगा टू के टेबल में टू थ्री ज़ा सिक्स वन बचेगा टू सिक्स ज ट्वेल्व नेक्स्ट फिर टू से टू वन ज़ा टू टू एट ज़ा सिक्सटीन नेक्स्ट फिर टू से टू नाइन ज़ा एटीन अब देखो नाइन आ गया यहाँ पे अब किस टेबल से जाएगा थ्री से नाउ थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड थ्री वन ज़ा थ्री देखो फैक्टर्स बना लिए इसके नाउ सेवेंटी टू के फैक्टर्स लिख लें टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इं थ्री नाव स्टूडेंट्स ग्रुपिंग करेंगे कितने की करेंगे थ्री की ग्रुपिंग करेंगे नाउ देखो थ्री अब यहां पे देखो थ्री कितने हैं दो है मेरे पास अब मेरे को क्या है एक और थ्री चाहिए तभी क्या है इसका ग्रुप पूरा होगा थ्री का इट मीन्स 72 टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नाउ 72 टू सो सेवनटी टू मस्ट बी मल्टीप्लाइड किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइड बाय थ्री टू गेट अ परफेक्ट क्यूब राइट नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखें सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव को चेक करना है हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब बने नाउ सिक्स हंड्रेड फाइव अब देखो टू के साथ तो जाएगा नहीं बिकॉज यूनिट प्लेस पे क्या है फाइव है इसके अब थ्री के साथ चेक करने के लिए क्या करोगे सम चेक करोगे इसका देखो सिक्स प्लस सेवन इज थर्टीन थर्टीन प्लस फाइव इज एटीन अब देखो एटीन टेबल में आता है ना थ्री के सो so, ये थ्री के साथ विजिबल होएगा थ्री टू 6. अगेन थ्री टू ज़ा सिक्स वन बचेगा थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन अब फिर सम चेक कर लेते हैं फोर टू प्लस टू फोर फोर प्लस फाइव इज नाइन फिर थ्री के टेबल में जाएगा थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन वन बच गया थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन अब यहाँ पे देखो 75 फाइव आ रहा है सेवनटी फाइव का टोटल देखो क्या बनेगा सेवन प्लस फाइव इज ट्वेल्व अब ट्वेल्व फिर जाएगा थ्री के टेबल में थ्री टू जा सिक्स वन बच गया थ्री फाइव जा फिफ्टीन अब टोटल चेक करो इसका टू प्लस फाइव इज सेवन अब नहीं जाएगा ये थ्री के टेबल में अब फाइव के टेबल में जाएगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड देन फाइव वन जा फाइव नाउ सिक्स सेवेंटी वन की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें स्टूडेंट्स थ्री कितने हमारे पास थ्री एंड फाइव कितने हैं हमारे पास टू सो so, देखो जैसे पेयरिंग करते हैं उसमें दो दो की इसमें तीन तीन की करते हैं क्यूब्स में तीन का देखो एक पेयर बन गया यहाँ पे थ्री अब यहाँ पे देखो इसका अगर मैं चेक करूँ फाइव यहाँ पे एक कम है दो है सिर्फ सो so, मेरे को एक फाइव चाहिए सो सिक्स सेवेंटी फाइव मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाय फाइव टू गेट अ परफेक्ट क्यूब देट्स इट नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखें इसका स्टूडेंट्स हंड्रेड नाव हंड्रेड की प्राइम फैक्ट्राइजेशन कर लेते हैं सबसे पहले किस टेबल में जाएगा ये टू टू फाइव जै टेन टू टू जै फोर वन बच गया टू फाइव जै टेन नाओ फाइव के साथ फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव एंड देन फाइव वन जा फाइव नाओ हमारे पास टू कितने दो टू है एंड दो फाइव है अब देखो यहाँ पे टू भी क्या है हमें थ्री चाहिए थे टू अब यहाँ पे तो दो आ रहे हैं यहाँ पे फाइव भी कितने चाहिए थे थ्री यहाँ पे एक फाइव कम है और एक टू कम है सो so, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक टू चाहिए और एक फाइव टू इन फाइव इज टेन टेन से करेंगे सो हंड्रेड मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाय टेन टू गेट अ परफेक्ट क्यूब So this completes question number two. Now student next video in question number three. Dikhenge. So in the end I would like to say thanks to all the students for watching my this video.